रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बता दो आप क्या कर रहे हो। हेलो गाइस, वेलकम टू माय व्लॉग। आज हम बनाने जा रहे हैं छोले कुलचों के साथ खाने के लिए। आज क्या ओकेजन आज एक्चुअली मेरे हस्बैंड का बर्थडे है, तो हम उनके लिए बना रहे हैं उनकी पसंद के कुलचे छोले। कुलचे तो यानी रेडीमेड लिए हुए हैं, छोले बना रहे हैं। और हम बनाएंगे सामा चावल की खीर साथ में, ठीक है? उसके लिए मैंने चने जो है कल भिगो के रख दिए थे रात को, और सुबह सीटी लगवा दी, उन्हें बॉयल कर लिया। बस अब तड़का लगाना बाकी है। अभी गाइस मैंने ले लिया है प्याज, धो के छील के धो के ले लिए हैं, और ये 6 टमाटर और ले लिए हैं, और बस इनको चॉप करेंगे। चॉप करके फिर तड़का लगाएंगे, और थोड़ा सा अदरक लूँगी इसमें से मैं, और कुछ गार्लिक के क्लोव्स ले रही हूँ, और इनको हम छील लेंगे। काटना सिखा दो, आप कैसे काटते हो गार्लिक इसको को? बस ऐसे रख के, इसको छीलना बहुत इजी हो जाता है, आप इसे ऐसे दबा दीजिए बस, और छिलका जो है वो बहुत ही आसानी से इजीली निकल आता है। और फिर चाहे आप इसे चॉप कर लो, चाहे ग्राइंड कर लो, चाहे आप कूट लो। अब हम एक कढ़ाई ले लेंगे, और उसमें डालेंगे तेल। आप अपनी पसंद का कोई भी तेल डाल सकते हैं, जो आपको तो मुझे बताना है, पसंद हो। एक लाइट का शॉट भी लेना था। ओके, चलो कर हम इसमें ऑयल डाल लेंगे अभी, और आप अपनी मर्जी का कोई भी ऑयल डाल सकते हैं। मेन वाइल अपना दो। तेल गर्म हो रहा है, तो हम प्याज चॉप करके और चॉपर में उनको डाल देंगे साथ के साथ। लहसुन गाइस मैं बाद में डालूँगी, ठीक है? सबका अपना अपना स्टाइल होता है बनाने का, तो मैं लहसुन हमेशा बाद में डालती हूँ। अब हम इन सारे प्याज को चॉपर में चॉप कर लेंगे, और जब तक हमारा तेल जो है वो गर्म हो जाएगा। अभी हम चॉप कर लेते हैं इनको। अब हम कर लेंगे चॉप। ये चॉप किए हुए प्याज हमने इसमें डाल दिए हैं अभी। अब हमने इसमें प्याज तो डाल दिए, फ्राई हो रहे हैं जब तक प्याज, हम तब तक टमाटर चॉप कर लेते हैं, और टमाटर को भी डाल देंगे चॉपर में कट करके। अब हमारे प्याज ऑलमोस्ट भुन चुके हैं, ये गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं अभी, और इसमें हम डाल देंगे टमाटर जो हमने अभी प्यूरे किए हैं। डाल देंगे अदरक। अब हम इसमें लहसुन भी डाल देंगे, और इसको कर देंगे अच्छे से मिक्स। अब इसको फिर से पकने के लिए छोड़ देंगे। जब तक अच्छे से पकता है, फिर हम तब तक सूखे मसाले तैयार कर लेंगे। नमक तो डाल दिया था उबालते समय चनों के अंदर ही ऑलरेडी। अब हम थोड़े से चिली फ्लेक्स ले रहे हैं, ये एक अब डाल रही हूँ जीरा पाउडर, चमचा करो। धनिया पाउडर, ये गया एक, और ये पौने दो, दैट्स गुड। ये चना मसाला, एक चमचा हाँ, ये आमचूर 1 चम्मच, आधा चम्मच गरम मसाला, अनारदाना। ये अब हम हमारा मसाला ऑलमोस्ट पक चुका है, अच्छे से पक ओके। गया। अब हम इसमें डाल देंगे सूखे मसाले जितने भी हमने, अब ये मसाले इसमें हम डाल लेंगे अच्छे से।
बोलो। गाइस ये चने बन गए। ये हमने चने डाल लिए थे मसाला भुनने के बाद कुकर में से, और वो मालूम नहीं रिकॉर्ड हुआ था या नहीं, एडिटिंग के टाइम पे पता लग जाएगा कि क्या हो गया। अब हम बस ये हमारे उबाली आके बन चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे कसूरी मेथी। थोड़ी सी और डालेंगे। बस चने हमारे बन गए, खीर बनानी बाकी है। खीर बनाएंगे, बड़ी मम्मी ने बोला कि वो हलवा बनाएंगी। ठीक है चलो अब हम बनाने लगे खीर। गाइस खीर के लिए हमने ले लिया है कुकर, इसमें इसको बंद नहीं करेंगे यानी ऐसे खुले में ही पकाएंगे। और उसके लिए हमने लिए ये व्रत वाले चावल और दूध डालेंगे। अब ये हम इसमें डाल देंगे चावल, ये व्रत वाले चावल में पैकेट के थे। बस इसमें तो उबाल आ गया, खीर में तो बंद करने लगी हूँ। 1 घंटा बड़ा ब्रो, 4:47 हो अगर गया। 1 घंटे में खीर बन जाएगी तो रिकॉर्ड ये तो बहुत जल्दी हो जाती है। ये कौन सा दूसरे चावल की खीर है, योग उसमें टाइम लगता है। योग हम अब इधर आ गए थे गाइस मम्मी के घर, और मम्मी ने हलवा बना लिया था। अब हम अपना खाना एंजॉय कर रहे हैं। अगर आपको हमारा व्लॉग अच्छा लगे तो बताइए, और कुछ आपको सजेशंस हैं तो वो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ बताओ, और स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट व्लॉग। ओके गाइस दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। होप आपको पसंद आया हो। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय।